भगवान शिव के वामांग से श्रीमन नारायण प्रकट हुए हैं और नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, ये तो आप जानते होंगे। बहुत दिन के बाद ब्रह्मा जी एक बार घूमते घूमते आए क्षीर सागर की तरफ। यहाँ कमलापति भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे और देवी माता लक्ष्मी हल्के हल्के हाथों से चरण सेवा कर रही थी। ये चित्र तो आपने देखा ही होगा, देखा है ना, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, नारायण विश्राम कर रहे हैं, शेष शैया है। एक दिन ब्रह्मा जी यहां पर आए और ब्रह्मा जी जब आए तो आकर के खड़े हो गए। ये क्या, सबको पता है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के बाद प्रकट हुए हैं। दुनिया में जो भी वैकुंठ जाता है तो साष्टांग प्रणाम ही करता है, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे मैं तो जगत का पिता हूं। उनको परम पिता ब्रह्मा कहते हैं, सबका पिता है। और ये क्या, मैं आकर खड़ा हूं और आप उठकर खड़े नहीं हुए। आगतम तु गुरुम आराध्यम दृष्ट्वा यो दृप्तवच्चरे द्रोहिणस्तस्य मूढ़स्य प्रायश्चित्तं विधीयते। कहते हैं यदि किसी महान भाव को आए हुए देख कर यदि आप खड़े नहीं हुए तो आपके लिए अपराध बन गया, इसके लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। कोई महान भाव आ गया है, आप बैठे कैसे रह गए, आपको खड़ा होना चाहिए, खड़ा होकर उनका वेलकम करना चाहिए, स्वागत करिए उनका। यही हमारा नियम है, हमारी पद्धति यही है, परंपरा यही है। लेकिन नारायण इसलिए नहीं उठे कि ब्रह्मा जी तुम्हारे पुत्र हैं। कोई पुत्र को आया हुआ देखकर पिता उठता है क्या बिस्तर से, क्यों उठता है क्या? पुत्र को आया हुआ देखकर नहीं उठते, उठ जाए वो अलग बात है, लेकिन उठना की आवश्यकता उनको नहीं है। और पुत्र को कभी चाहिए भी ना कि हमारे पिता मेरा उठ के स्वागत करे। माता पिता गुरु भगवान, इनसे आदर की इच्छा कभी नहीं करना। ये जितना हमें कसेंगे हम उतना और चमकेंगे, जितना कसे हमें। पिता का पीटा हुआ, गुरु का डांटा हुआ जहां जाता है वहां उजागर ही करता है। लेकिन ब्रह्मा जी तो कहने लगे कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है। कस्तम पुरुषवत् शेषे दृष्ट्वा माम अपि दृप्तवत् उत्तिष्ठवत्। अच्छा ब्रह्मा जी, क्या हुआ कि जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल में, नारायण के नाभि से कमल कमल में उनका प्राकट्य हुआ है, तो सबसे पहले आकाशवाणी हुई, मन में हुआ कि क्या करो, तो आकाशवाणी हुई है कि स्पर्शेष्वेत षोडशमेक विंश विंशम निष्किंचनानाम यच्च धनम विदुः। जो निष्किंचनों का परम धन है, ऐसे स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां वर्ण, यानी आप गिनेंगे जब क से लेकर म तक, क ख ग घ ङ च छ ज ञ, इसे गिनेंगे इसमें 16वां वर्ण आता है त और 21वां वर्ण आता है प, यानी क्या हो गया, त और प मिला देंगे तो तप हो गया। तो आदेश आकाशवाणी से क्या मिला, तप करिए। यानी जब कोई काम आपके जीवन में ना हो तब आपको तप करना चाहिए। कभी कभी हम लोग खाली बैठते ही नहीं बैठते, बड़ा उसमें बेचैनी होते, अरे खाली क्या करें, किधर जाएं, निंदा करें, शिकायत करें, टाइम पास कैसे नहीं हो रहा,
आदेश है आकाशवाणी का, जब कुछ ना रहे आप तप करिए, तपिए, तपस्या में लग जाइए, साधना में लग जाइए, किसी को गुरु बना लीजिए, कोई मंत्र सीख लीजिए, तपस्या करिए। कठोर तपस्या नहीं होती तो बहुत प्रकार के तप हैं, शीत उष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णु तम तप, अर्थात ठंडा गर्मी सुख दुख मान अपमान जितने भी द्वंद्व हैं सबको सहना भी तप है। आप ये सहते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। तो ब्रह्मा जी ने भी तप किया, ठीक है, और तप काल, तप करने के बाद बहुत काल बीत गया, सब कुछ भूल गए ब्रह्मा जी। होता है ना कभी कभी आदमी बहुत 12 वर्ष तक मौन किया तो महाराज जी जब मौन खुला उनका तो बोलना ही भूल गए, क्या शब्द बोलूं, शब्द ही नहीं आ रहा था। तो ऐसा हुआ, सब कुछ भूल गए ब्रह्मा जी। जब आप कोई व्यक्ति बचपन में घर से चला जाए, मुझे ही ले लो, और 25-30 वर्ष के बाद लौट कर जाए तो किसको कौन पहचानेगा बताओ? कोई किसी को पहचानेगा ना, तो आप पहचानेंगे किसी को ना वो पहचानेंगे किसी को, क्योंकि उस समय के बराबर के लोग जो होंगे वो जवान हो गए होंगे, और जो जवान थे वो जर्जर बूढ़े हो गए होंगे, और जो बूढ़े थे वो चले गए होंगे, मिलेंगे कौन आपको, सोचिए। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को नहीं पहचाना, और भगवान विष्णु भी ब्रह्मा जी को नहीं पहचाने। परिणाम क्या हुआ, प्रश्न पूछ दिया, कस्तम पुरुष, आप कौन है, ये पुरुष आप कौन है? ब्रह्मा जी का जी ने कहा, चाहे मैं जो भी हूं मैं परम पिता हूं, और मुझे देखकर तुम्हें खड़ा होना चाहिए, मेरा अभिनंदन करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि वर्तमान समय में तो मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, ना मुझसे, मैं ही सबका परम पिता हूं तो मैं आपका भी पिता हूं। भगवान विष्णु को पता चल गया कि नहीं नहीं मैं इनका पिता हूं, बोले कि मैं आपका पिता हूं। और भगवान ब्रह्मा जी माने ना, एक दूसरे में विवाद बढ़ गया, विवाद इतना बढ़ गया कि बात युद्ध तक आ गई। अब भाई सृष्टि के आदि देवता यदि युद्ध करेंगे तो युद्ध कितना भयंकर होगा आप सोच सकते हैं, समस्त शक्तियां तो इन्हीं के हाथों में, और युद्ध पर उतारू हुए, पहले तो हल्के में ले रहे थे, बाद में युद्ध बहुत ही विशाल हो गया, दोनों का एक ही था कहना, हमीव बरो न तुम, अहम प्रभु राम न तुम। आखिरकार विनाश के कगार पर आ गया, तब देवता लोग भागे शंकर जी के पास, प्रभु अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, संभालिए महादेव संभालिए। तब शंकर जी नंदी पर विराजमान होकर के आकाश मार्ग से आते हैं और देखा है दृश्य। अब समस्या, छोटे मोटे अस्त्र एक दूसरे पर बरसाए काटे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु ब्रह्मा जी ने भी पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया, और उसी समय में नारायण ने भी पाशुपत अस्त्र का ही प्रयोग किया। दो पाशुपत अस्त्र यदि एक साथ टकराएंगे कोई किसी को काट नहीं पाएगा, परिणाम बहुत बुरा होगा, यह सोच करके तब भगवान शिव दोनों के मध्य में एक विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक विशाल स्तंभ स्वर्णमय शिवलिंग प्रकट होता है, चमकता हुआ देदीप्यमान,
इतना विशाल ज्योतिर्लिंग है, इतना विशाल है कि पता ही नहीं चल रहा है कि इसका प्रारंभ कहां से है। अब दोनों युद्ध भूल गए क्योंकि ये आश्चर्यचकित घटना घट गई। युद्ध कौन करे, पहले पता तो लगे कि ये है क्या भाई, इसके नीचे कहां तक है, ये ऊपर कहां तक है, अचानक प्रकट हुआ है, किसी को पता नहीं। भगवान श्री हरि ने कहा कि हम लोग युद्ध बाद में कर लेंगे, एक काम करते पहले इसका पता लगाते कि ये है क्या, और जो पहले पता लगा देगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। चलो हम जो है उम्र से श्रेष्ठ नहीं मानते, हम योग्यता से श्रेष्ठ मानते हैं, तब तो मानेंगे ना आप, जो पता लगा ले पहले। ब्रह्मा जी ने कहा कि मंजूर है, मैं ऊपर जाता हूं आप नीचे जाए, ठीक है भाई। ब्रह्मा जी ऊपर चले और श्री हरि नीचे की ओर जा रहे, पता लगाते 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 कई दिन गुजर गए। भगवान श्री हरि तो थक गए, विश्राम करने लगे। ब्रह्मा जी भी कितना चलेंगे भाई, थक गए। ऊपर से एक पुष्प गिर रहा था, केतकी का पुष्प। जब वह केतकी का पुष्प आ रहा था, ब्रह्मा जी ने पूछा, ए केतकी कहां से आ रहा है? कहा कि ऊपर से आ रहा हूं। मेरा मतलब है कितना ऊपर से आ रहा है, क्या इसको शिवलिंग के ऊपर से? कहा नहीं भगवान, ये पता नहीं कहां से है ये, मैं भी बीच से ही आ रहा हूं। कहा कि सुनो, अब तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? बोले क्या? तुम थोड़ा झूठ बोल जाओ, तुम ये मत कहना कि मैं बीच से आ रहा हूं, तब बोलो मैं ऊपर से आ रहा हूं। ऊपर से तो तुम आ ही रहे हो, ठीक है, मैं गवाह दे दूंगा। ब्रह्मा जी खुश होकर के नीचे आए। जब नीचे आए तो भगवान श्री हरि तो हाथ पैर छोड़ करके अपना बैठे हुए थे। क्यों नारायण? देखिए मैंने तो पता लगा लिया। आपने लगाया? नहीं भगवान, मुझसे पता नहीं लगा। आपने? हाँ हाँ, हम ऊपर से आ रहे हैं, आप इनसे पूछिए। हाँ हाँ, हम भी ऊपर से आ रहे हैं। केतकी की गवाही मान ली गई। आपको तो पता है कि हमारे कोर्ट में कोई प्रत्यक्ष गवाह मिल जाए फिर सांच को झूठ करने में टाइम नहीं लगता, और झूठ को सच करने में भी टाइम नहीं लगता। गवाही के बल पर इस झूठ को सत्य करार कर दिया गया। नारायण ने स्वीकार कर लिया, चलो भाई, क्योंकि ओह कहते हैं कि हरिजन तो हारा भले जीतन दे संसार, और हारे को हरी मिले जीते जम का यार। जो जीतेगा यमराज का मित्र बनेगा, लेकिन जो हारेगा उसे हरी मिलेंगे। अच्छा है, हार स्वीकार कर ले, परिणाम शर्त के मुताबिक जो जीतेगा वो श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी श्रेष्ठ मान लिए गए। हाँ हाँ ठीक है, अब पूजा की बारी आई तो हमारे नारायण भगवान श्री हरि पूजा की थाल लेकर के, पूरी सामग्री लेकर के ब्रह्मा जी के पाद प्रक्षालन से लेकर संपूर्ण पूजा करने लगे। यह सब देख रहे थे उस ज्योतिर्लिंग में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ। शंकर जी सब कुछ सह सकते लेकिन झूठ नहीं सह सकते, बात समझ रहे शिव जी के श्रद्धालु भक्तों? शंकर जी को झूठ बर्दाश्त नहीं है। शिव जी ने कहा कि अलम अलम मां अलम, ये नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
भगवान शंकर जी ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, ये अच्छी बात नहीं है। इत्यर्थितो अच्युतेनेष्टस्तुष्टः सुरगणांगे गणांगने निवर्तयामास्तदा भैरवं ब्रह्मदण्डतः। शंकर जी ने कहा कि सब कुछ ठीक था, परंतु आप झूठ बोले, मैं सह लिया। झूठ बोल करके किसी योग्य व्यक्ति को अयोग्य बना देना ये गलत है। आप जीत जाइए कैसे भी, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु किसी के मस्तक पर आपके चरण नहीं होने चाहिए। है? किसी का सर हो कदमों में सर अच्छा नहीं लगता, किसी का भी सर हो कदमों में सर अच्छा नहीं लगता, झूठ बोल करके वो भी। तो ब्रह्मा जी स्वीकार नहीं किए। मैंने आपको बताया था जो स्वीकार करेगा वही सुधार करेगा, लेकिन ब्रह्मा जी स्वीकार नहीं किया। ना ना, ऐसा क्या होता है, मैं तो सच ही कह रहा हूं। और शंकर जी से क्या छुपा हुआ है, है? हर अंतर्यामी सब जानी, महादेव तो अंतर्यामी है कि नहीं है, सब जान गए। अब शिव जी समझा रहे हैं, ब्रह्मा जी समझ नहीं रहे और उत्तर प्रत्युत्तर कर रहे हैं, हैं? क्या होता है? जब शिव जी के साथ ऊपर नीचा बोलना शुरू कर दिया, जवाब पर जवाब दिया, तब शिव जी ने कहा कि देखो, एक तो चोरी ऊपर से, क्या बोलते हैं, चोरी ऊपर से यही कर लिया, मतलब झूठ बोलकर पूजा करवा रहे हो और समझाने पर भी नहीं समझ रहे हो, बहुत बड़बड़ा रहे हो। तब शंकर जी के भ्रकुटी से प्रकट हुए हैं काल भैरव, शिव जी के ही स्वरूप हैं काल भैरव। काल भैरव जो दैदीप्यमान अग्नि उनके मुख से निकले, क्या करूं? शंकर जी ने कहा कि ये झूठ बोला है, इस मस्तक को काट डालो। लपला पाती भी उसकी जीवा, तुरंत अविलंब उसकी गर्दन उतार दी। ब्रह्मा जी कितने मुख हैं, कितने मुख हैं? चार, बोला करो। पहले थे पांच, एक गर्दन को हमारे काल बाबा ने एकदम उतार लिया। क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ, तो ब्रह्मा जी देखे अब तो भाई कहीं चारों ना उतार रहे, तुरंत लेट गए साष्टांग, क्षम्यताम त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, भोलेनाथ क्षमा 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 दान क्षमा दान, हाथ जोड़ लिया। सारे मस्तक जब चरणों में झुक गए, तब शंकर जी ने कहा कि जाओ कोई बात नहीं, क्षमा कर दिया, मरम पट्टी करके घाव को ठीक करके स्पर्श कर दिया, ब्रह्मा जी स्वस्थ हो गए। कहा देखो सब कुछ ठीक है, परंतु झूठ नहीं बोलना, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं। झूठ बोल करके आपका भला हो अच्छी बात है, लेकिन किसी का नुकसान हो यह अच्छी बात नहीं है, ये शिव जी को बर्दाश्त नहीं है। बहुत ब्रह्मस्तम अर्हणाकांक्षी सठम ईशत्वम आस्थितः। इसके बाद ब्रह्मा जी को बड़ा अपराध बोध हुआ, क्षमा याचना की। उस समय में दोनों ने उस ज्योतिर्लिंग की पूजा की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु इस ज्योतिर्लिंग की महिमा क्या है, ये कैसा स्वरूप है, किसका स्वरूप है? बोले कि यह मेरा ही स्वरूप है। हाँ, जब सृष्टि अनबैलेंस हो रही हो तो बैलेंस बनाने के लिए यह प्रकट हुआ है। आप दोनों के इस विशाल युद्ध से पूरी सृष्टि तबाह हो रही थी, विनाश के कगार पर थी,
दोनों को संभालने का ये इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता था। मैं जगत का साक्षी हूं, जगत का ईश्वर हूं, मैं निराकार स्वरूप हूं। और निराकार का मतलब होता है कोई आकार नहीं। आप देखना शिवलिंग का कोई फिक्स आकार नहीं है, है? शिवलिंग का कोई फिक्स आकार नहीं है, कहीं पर इतना बड़ा है, कहीं इतना बड़ा है, कहीं इतना बड़ा, कहीं इतना मोटा, कोई इतना मोटा। चले जाइए आप घूमिए हर ज्योतिर्लिंग में, पशुपतिनाथ चले जाइए वहां अलग देखेंगे, केदारनाथ में अलग देखेंगे, है ना, विश्वनाथ में अलग देखिए, सोमनाथ में अलग देखिए। तो ये निराकार है, वास्तव में कैसा है निराकार का कोई फिक्स आकार, फिक्स आकार होगा तो निराकार कैसे होगा।